राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत गुरुवार को मदनपुर खादरा पहुंचा, यहां एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। आप विधायक अमानतुल्ला ने खान की मौजूदगी में लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया। उधर पुलिस ने अमानतुल्ला खान को सरेंडर करने के लिए कहा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्ला खान और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज किया था। इस दौरान अमानतुल्ला ने कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं अगर इससे गरीबों के घर बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं एमसीडी से कहा था कि आप आइए और कुछ लोगों के साथ अगर अतिक्रमण होगा तो मैं खुद हटवाऊंगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में गलत फ़ायदा मत उठाइए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर गुरुवार को पटेल नगर के प्रेम नगर में भी चलेगा। दिल्ली नगर निगम की ओर से दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। इससे पहले बुधवार को द्वारका और लोधी रोड में एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। जी हां, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज किया था। साउथ दिल्ली नगर निगम एसडीएमसी ने अमानतुल्ला और उनके समर्थकों पर शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। जहांगीरपुरी से हुई थी बुलडोजर अभियान की शुरुआत। जहां दिल्ली में बुलडोजर अभियान की शुरुआत जहांगीरपुरी से हुई थी, यहां हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा वाली जगह पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाया था। हालांकि इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।